शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संगति सत्यर्थम संगति प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वरे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम इंद्र सद्वंदयानम त्रिभुवनजगमसल बक्काणम अंतातिगुणानम दिन भवानम नमोचनानम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मयसे नमोनी कांत विश्रांत महिम परमात्मा आचार्य कुंदकुंदी विरचित पंचाष्टी का ग्रंथ कल पुण्य की चर्चा चली। पुण्य कैसे होता है? अपने परिणामों में कलुषता न होने से, प्रशस्त राग से। प्रशस्त राग का अर्थ है बहुत सुंदर, आचार्य देव ने कहा, अरंत सिद्ध आदि में भक्ति गुरुओं का रसिक रूप से अनुगमन। पीछे पीछे चल देना ही पर्याप्त नहीं, रसिक रूप से अनुगमन, इस मार्ग को आनंद रूप जान करके आनंद सहित इस मार्ग में आना। धर्म के अनुष्ठानों में भावना प्रधान की इच्छा, भाव शून्य नहीं, विपरीत भाव सहित नहीं, भावना प्रधान की इच्छा, भावनामय की इच्छा। ये प्रशस्त राग, कल ये चर्चा की थी, चित्त की कलुषता नहीं होना, प्रतिकूलता में कषाय की तीव्रता नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, अनर्गल नहीं सोचना, अनर्गल नहीं बोलना, तब पुण्य बंद होगा। अगर मंदिर में भी कलुषित परिणाम हो जाएंगे तो यहाँ भी पाप बंद होगा, घर में भी कलुषित परिणाम नहीं हो पाएंगे तो घर में भी पुण्य हो जाएगा। ऐसा जानकर नाना प्रकार के प्रसंग तो कर्म उदय के अनुसार बनेंगे, वे कोई आपके और हमारे अधीन नहीं है, वर्तमान के भावों के अधीन नहीं है, और पुण्य का उदय हो तो पाप करते हुए भी अनुकूलताएं देखी आती हैं, वैभव पद प्रतिष्ठा देखे जाते हैं, और पूर्व पाप का उदय हो तो धर्म ध्यान करते समय भी प्रतिकूलताएं देखी जाती। अपने श्रद्धान से चलायमान मत होना, संयोग और इन परिस्थितियों को उदय जनित जानना, वर्तमान के भाव अनुसार नहीं। वर्तमान में तो सनत कुमार और बाजराज मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे थे, आत्म साधना में लगे थे और शरीर में कोढ़ हो रहा था। वर्तमान में क्या कर रहे थे?
मुंडाज आत्म ध्यान में मग्न वेद ज्ञान के साथ उत्कृष्ट साधक और बाहर में शरीर का कोर हो रहा है। ये मैं सोच लेना ये बाहर के जो परिस्थितियां बन रही हैं वे पूर्व कर्म के उदय के अनुसार बन रही। आपने एक शब्द पढ़ा होगा पापानुबंधी पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य। अन्याय करते करते भी धन आया और न्याय मन न्याय पर मार्ग पर चलते चलते भी धन ना आ गया। लेकिन ध्यान रखना न्यायवान के हृदय में शांतता होगी उसके चित्त में प्रसन्नता होगी संतोष होगा और जब अन्याय से धन पद प्रतिष्ठा होते हुए भी न संतोष होगा न शांति होगी न सुख होगा। और जब ऐसी स्थिति है हमारे चित्त में संतोष नहीं है हमारे घर में शांति नहीं है तो इस वैभव का करोगे क्या? वैभव का होना ही बड़प्पन की निशानी नहीं है। वैभव में भेद ज्ञान होना निराभिमानता होना ये सुख का कारण है। क्या करोगे उस बार? विचार करो धर्मायतन धर्मस्थान धर्म के निमित्त हैं, उपादान स्वयं का जगाना होगा पुरुषार्थ स्वयं करना होगा। यहाँ आकर के भी गिन मंदिर में आकर के भी तीर्थ में आकर के भी छोटे छोटे विकल्पों में अपने परिणाम को कलुषित नहीं करना। अरे बड़े से बड़े प्रसंग बन जाए तो अभी चित्त में कलुषता मत लाना, तब तो हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास की सार्थकता है। और नहीं तो तू टोडरमल जी ने कहा तूने ज्ञानी होकर क्या किया? इष्ट अनिष्ट की कल्पना पूर्वक राग द्वेष तो संसारी जीवों के होते ही हैं। तूने तत्वज्ञानी होकर के क्या किया? तत्वज्ञान का फल तो राग के प्रसंग में राग नहीं होना है, द्वेष के प्रसंग में द्वेष नहीं होना, इतना ही नहीं राग के प्रसंग में राग नहीं होना, कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं होना। इसमें ये सोचते हैं हम कि क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं होना, लेकिन भैया मान के प्रसंग में मान नहीं होना, लोभ के प्रसंग में लोभ नहीं होना, हास्य के प्रसंग में भी हास्य नहीं होना, भय के प्रसंगों में भी भय नहीं होना, नाना प्रकार की अनुकूलताओं के होने पर भी रति भाव नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, ये तो धर्म शास्त्र हैं और अध्यात्म शास्त्र हैं। लौकिक नीति में लिखा है तुम्हारा ज्ञानी तो ऐसे रहे जो जिभ्या मुखमा घी घनो भक्षण करे तो चीकनी ना। कितना ही घी खाए तो भी ये जिभ्या चिकनी नहीं होती, कौन भी मीठी खाए तो
तो भी मीठी नहीं होती, कितना ही नमकीन खाए तो भी नमक खारी नहीं होती, चिरपड़ा खाए चरपड़ी नहीं होती, रूखी की रूखी। अरे भाई पुण्य के उदय होगा, आप नहीं चाहो तो भी अनुकूलता मिलेगी। जैसे पाप के उदय में बिना चाहे प्रतिकूलता आती है, रोग आता है, विघ्न आते हैं, नाना प्रकार के अपमान सहन करने पड़ते हैं, नहीं दरिद्रता होती है। पाप के उदय में बिना चाहे, चाहते तो नहीं, कोई चाहता नहीं, चाहते होती। पाप के उदय में बिना चाहे जैसे प्रतिकूलता होती है, पुण्य के उदय में बिना चाहे अनुकूलताएं होती है। और ज्ञान के उदय में बिना चाहे शांति होती है, सुख होता है। इन परमेश्वरों को चाह तो नहीं है, बिना चाहे बोलो अनंत सुख है कि नहीं, अव्यावास सुख है कि नहीं, चाहते तो नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने कहा, हे भाई मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष की इच्छा से भी मोक्ष नहीं होता, पुण्य बनता है। देखा देखी नहीं, समझ करके। इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांचक हो, सुख निर्वांचक क्या होए, और चरणानुयोग की भाषा में तो पुण्य की बात कही सबका चार में, पुण्य तो निर्वांचक के होए। वहां निर्वांचकता सर्वथा नहीं समझना, अगर सर्वथा निर्वांचक होगा तो पुण्य काय को होगा, धर्म होगा। यहां निर्वांचक माने भोगों की वांछा नहीं, व्यवहार नये में भोगों की वांछा नहीं है, पद प्रतिष्ठा की वांछा नहीं है, वैभव की वांछा नहीं है, बीज राग फल भोग वे ज्यो किसान जगमान, त्यों चक्री नृप सुख करे, मगन नहीं हो जाता, फुर्सत ही नहीं है। नहीं है वो पुण्य का उदय, वैभव है। वैभव का होना अलग बात है और वैभव में अपनापना होना अलग बात है, आसक्ति होना अलग बात है। ज्ञानी को वैभव नहीं होता ये नहीं कह रहे, गुरु पुण्य के उदय से तीर्थंकरों का चक्रवर्तियों का वैभव कितना, लेकिन उस वैभव में आसक्ति नहीं तो ठीक है। क्या आसक्ति मत करो, अपना मत मानो, वैभव रखने में कोई अर्थ नहीं, रखने में रखना रखना अपनेपन के बिना होगा। स्वच्छंदता का पोषण मत करना, वैभव की चाह से वैभव नहीं होता, वैभव पुण्य से होता है। मोक्ष की चाह से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष विचारता से होता है। बिना चाहे होने मोक्ष में सुख है, बिना चाहे, चाहने से क्या होता है। पाप के उदय वाला भी धन चाहता, वैभव चाहता, पद चाहता, प्रतिष्ठा चाहता, भोग संयोग चाहता कि नहीं चाहता, लेकिन नहीं मिल रहा, चाहने से क्या होता है आप बताओ। अरे बताओ, सोचो, चाहने से पाप बनता है, भोगों की चाह से पाप होता है। भोगों की चाह से पाप होता है, आकुलता होती है,
धर्म की चाह से पुण्य होता है और धर्म बिना चाह के होता है, और सारे कार्य बिना चाह के होती, वस्तु के परिणमन में चाह प्रवेश नहीं करती। आप चाह करो, एक शास्त्र में निदान नाम का आर्य ज्ञान कहा गया, चाहता है। लेकिन वहां एक दृष्टांत दिया, ज्यादा कम कीमत में, ज्यादा कीमत चुका करके कम के चाह करे तो मिल जाएगी, लेकिन कम कीमत देकर के ज्यादा चाहे तो कैसे मिलेगा। आप चाह करो हम उड़ने लगे, तो उड़ने थोड़ी लगोगे। पक्षी अगर चाहे और उसकी डोर बांध दिया है उड़ेगा, तो पक्षी ना देखे हो बंधे हुए, तो पशु तो आपने देखे ही है, बड़ी रस्सी से बांध देते वो घूमने लगते, खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सब कर लेते, लेकिन ये घेरे में उसके बाहर नहीं निकल पाए। कोलू को कमेरो बैल, कोलू का बैल घूमता है लेकिन एक सीमा में, दिन भर में कितना चला कि दिन भर चलता रहा, लेकिन कितना चला वहीं का वहीं। वैभव की चाह से वैभव नहीं होता, पाप होता है। भोगों की चाह से भोग नहीं मिलते, पाप होता है। चाह सर्व प्रकार से कार्य करने में निरर्थक है, चाह स्वयं कार्य है, और चाह का फल क्या है आकुलता। जहां चाह है वहां आकुलता हो। हाँ, एक प्रशस्त निदान लिखा है, प्रशस्त निदान कभी कभी आप भी कर लेते हो, अनजाने में ही कर लेते हो। हमारे पास पैसा होता तो हम अकेले ही बना लेते, धर्म कार्य क्या, सबसे 100-100 रुपया मांगो, 5-5 मांगो, 1000-1000 मांगो, हमारे पास पैसा होता है हम अकेले कार्य है नहीं। प्रशासन ने ना शरीर में ताकत होती, संगनन होता, अरे जंगल में जैसे कहा जा पड़े, क्या करे, अपने उपयोग की एकाग्रता होती, खूब आराधना करती अपने आनंद से। आराधना के बाय निमित्तों की चाह करना वह प्रशस्त निदान कहलाता है, और लौकिक भोग संयोग सामग्री की चाह करना ये अप्रशस्त निदान कहलाता है। तंदूर मच्छी जैसा मेरे मुंह में आ जाता तो मैं सब खा जाता, सब संपदा मुझे मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। अरे भाई, चाहने से मिलेगी तो है नहीं, तो क्यों चाह करके आकुलता करता है। परिणाम से पुण्य बंधेगा, अगर चित्त में मलिनता आएगी पुण्य भी नहीं बंधेगा। कसायों की तीव्रता हो गई तो ये समझो पुण्य भी छीन हो जाएगा। परिणाम योग में एक और प्रसंग है, संक्रमण, अपकर्षण,
उदीर्ण। कभी कभी आपने भी देखा होगा, थोड़ी देर है, गर्मी का समय है, अब थोड़ी आराम करना है ऊपर, उसके बाद चलेंगे साथ, और आराम करते करते सो गए। उस ठंडी हवा की निमित्त बना और दर्शनावरण कर्म की उदीना हो, तब तत्काल नींद हो। एक व्यक्ति अच्छा बैठा अपना, और कोई हेलो, कोई घटना हुई, अचानक सुखी से दुखी हो गया। एक व्यक्ति भयंकर दुखी हो रहा था, तब तक एक साधर्मी आ गया, उसने तत्व की चर्चा करने लगी, बैठ गया और भूल गया सब, पुण्य की उदीर्णा हो गई। ज्ञान की विराधना, ज्ञान के अंतराय, ज्ञान अभ्यास में प्रमाद, इन परिणामों से नवीन ज्ञानावरण का बंध तो होता ही है, लेकिन पुराना जो ज्ञानावरण कर्म बना है उसकी भी उदीर्णा हो जाती है। तब अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी से अज्ञानी, ज्ञानी यहाँ छह उत्तम ज्ञान के कार। आपने देखा होगा बहुत छह उत्तम वाले जीव भी, और कभी पागल हो जाते, बात पिछ कब के परमाणु बदल जाते, याददाश्त चली जाती है। जिन्होंने केवल भोगों की याद की है, भगवंतों को याद नहीं किया है, अपने स्वरूप का स्मरण तो किया ही नहीं, इन भगवंतों का भी स्मरण नहीं किया, याददाश्त चली गई। सुनाई देना बंद हो गया, एकदम दिखाई देना बंद हो गया, ये घटना घटती है, उदीर्णा की है। पुण्य का उदय होने पर भी परिणाम कलुषित रहती, प्रश्नावली सारी सामग्री है परिणाम का, न खाएंगे न खान देंगे, न सुनेंगे न सुनने देंगे, न करेंगे न करने देंगे, प्रवृत्ति पड़ जाती है, न खुद करेंगे न दूसरों को करने देंगे, पड़ा रहेंगे तुम्हें क्या मतलब। अरे भाई साफ हो जाएगा, इतने लोग लाभ लेंगे, हाँ तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम कर। चित्त की मलिनता, चित्त की कलुषता पाप बंध का कारण है, चाहे कहीं भी हो और चाहे कोई हो। चित्त की प्रसन्नता जब इन भगवंतों को देख करके प्रसन्न होगा, जब जिनवाणी को सुनकर के प्रसन्न होगा, आगे बोलो, जब साधर्मियों को देख करके प्रसन्न होगा, धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न होगा, और मात्र प्रसन्नता ही नहीं, ऐसा पद प्राप्त करने की भावना होगी, तब पुण्य होगा। आपको मालूम है पुराण का दृष्टांत, पद्म पुराण में वह राजकुमार जा रहा था, थोड़ी देर के लिए रुके, सब लोग नहाए धोए अपने खाए पिए, पर्वत के पास देखा एक वनराज विराजमान, देखते ही चित्त प्रसन्न हो गया। अंजना गुफा में घुसी, अरे वनराज, ओ चित्त प्रसन्न हो गया। अब हमें कोई कष्ट, अब हमें कोई भय नहीं है, मुंडाज मिल गई, जिंदाज मिल गई, जीवराज मिल गया, वो तो धन्य है। लेकिन विचार करो,
देखो आत्मा को देख करके प्रसन्नता जो होती है वह तो धर्म रूप है, भगवंतों को देख करके प्रसन्नता हुई, जिनवाणी को सुनकर के प्रसन्नता हुई, धर्म के साधनों को देख करके प्रसन्नता हुई, ये पुण्य बंध का कारण है। कहीं निकल रहे थे, एक शिखर दिखाई, ओ चलो दर्शन कर ले, चल भीतर गए, ओ यहां तो वाह वाह धन्य हो गए, चित्त की प्रसन्नता पुण्य बंध का कारण। कैसी प्रसन्नता, सात सह प्रसन्नता, जैसी प्रसन्नता लौकिक मोही जीवों को भोग संयोगों में होती है, उससे अनंत गुणी प्रसन्नता और अंतरंग प्रसन्नता तब पुण्यबंध का कारण। इस बात को बराबर ध्यान में रखना, ये रूढ़ी की क्रिया से काम नहीं चलेगा भैया। आत्मदर्शन के लक्ष्य से, अपने परिणामों की विशुद्धि के लक्ष्य से जब हम दर्शन पूजन करेंगे तब यह मोक्ष मार्ग का निमित्त बनेगा, व्यवहार बनेगा। तत्व निर्णय करने के लिए, अपने निर्णय को स्पष्ट करने के लिए, वैराग को पुष्ट करने के लिए जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे सुनेंगे तब ये स्वाध्याय हमारा कल्याण का निमित्त बनेगा। ठोटरमल जी ने क्या कहा, जो मद मच्छर भाव से शास्त्र सुनते हैं, सुनते तो हैं सुहाता नहीं है, ऐसे जीवों को पाप बंद ही होता है। जो सांसारिक प्रयोजनों को अभिप्राय में रखते हुए धर्म कार्य करते हैं देखा देखी, ऐसे लोगों को पाप बंद होता है, वे मिथ्या दृष्टि तो है ही पापी भी है, सांसारिक प्रयोजन का निषेध। यहां अभिप्राय की अपेक्षा कथन किया और प्रश्न क्या उठाया प्रश्नकार ने, मालूम मुंडाज जी तो पर घर भोजन करते, साधर्मी साधर्मी का उपकार करते, मुंडराज का भोजन करने का अभिप्राय नहीं है, भोजन के लिए मुंडाज नहीं हुए, किंचित रात के उदय में भी भोजन के लिए निकले, आहारचर्या के लिए चले, आहार चर्या के लिए चले, कोई नहीं देवे तो ये नहीं सोचेंगे कैसे श्रावक हैं बता, आहार कर देंगे, कोई उपकार न करे तो खेद खिन्न नहीं होते, कोई उपकार करे तो प्रसन्न होते नहीं है, मगन नहीं हो जाते, तो ऐसा तो धर्म के मार्ग में होता है। कैसा साधर्मी साधर्मी का स्वयं उपकार करते बिना कहे, उस देव से किसने कहा था सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है तुम नंदीश्वर की वंदना से रुक जाओ और यहां जाकर के उत्सर को दूर कर, किसने कहा था, उसके स्वविवेक ने, उसकी धर्म भावना ने। दो देव थे, एक सीता तुम जाओ हम यहीं रुकते आगे, और जैसे ही सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और वहां जल हो गया कमल हो गया, वे देव धर्मात्माओं के सेवक होते हैं, संयम के सेवक होते हैं, संयमियों की सेवक करते हैं, अपने अक्षयों के द्वारा धर्म की प्रभावना करते। विद्याक्षय से जिन धर्म, अक्षय शब्द जो है ना वो उन मुख्य रूप से देवों के लिए और विद्याधरों के लिए ही तो होगा, तुम क्या अक्षय कर पाओ, लेकिन नहीं तुम भी, तुम्हारे द्वारा भी अक्षय होते,
होते हैं, कैसे होते हैं, रास्ता भूल गए, भटक गए, परिक्रमा में अब सूनापन और कहीं नहीं, अचानक आ गया कोई और आए भैया कहाँ जा रहे, उधर से जा, देव भी आ जाते, मनुष्य भी आ जाते, ऐसा नहीं। और नहीं तो एक बात बताओ, पद्म पुराण की पढ़ना, हनुमान जी उन मुनिराजों की रक्षा करने के लिए तो नहीं गए थे, वे तो सीता की खोज करने जा रहे थे और मार्ग में देखा मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग हो रहा है, तो वही पहली रक्षा करने लगे। पहले धर्म कार्य, बाद में लोक का कार्य। बोलो भैया, पहले दर्शन उसके बाद भोजन करते हो, पहले स्वाध्याय उसके बाद शयन करो, ये तो इतना तो नियम रखना ही, स्वाध्याय के बिना नहीं थोना। स्वाध्याय का मतलब अकेला शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, उस वैराग्य भावनाओं का चिंतन करना भी स्वाध्याय है। करना, कराना, अनुमोदना करना, बेटा हमको सुना दे, अनेकों पुरानी महिलाएं थी, बेटा सुना देना भक्तामर ने कहा, अब खुद पढ़ी नहीं है लेकिन भक्तामर सुनना, तत्वासु सुना देना हमको, एकाग्रता और प्रसन्नता से सुनना भी स्वाध्याय है। पद्मनंदी स्वामी उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसने प्रसन्न चित्त से जिन वचनों को सुना भी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मुक्ति का पात्र, भाव निर्वाण भाजनम। इसलिए हम आपसे कह रहे भैया, केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से सुनो, अपने हित पर दृष्टि रख करके सुनो, अपना अपनी दिशा बदलने के लिए सुनो, अपनी परिणति की निर्मलता की। देखो भाई, 500 आदमियों की पंगत में आप कब पेट तो तब भरेगा जब आप भोजन करो, और 500 आदमियों की पंगत में भी आपको अपना भोजन स्वयं करना होगा और उस भोजन को स्वयं पचाना होगा। आपकी माँ हो और असक्यता में वो अपने हाथ से भी खिला दे तो अभी पचाना तो आपको पड़ेगा। हमारे उपकारी श्री गुरु अपने सुना भी दें तो सुनना तो हमें पड़ेगा, विचार तो हमें करना पड़ेगा। भोजन के क्षेत्र में जो पाचन का महत्व है, वही यहाँ अनुप्रेक्षा का महत्व, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार। अपनी कल्पनाएं मत करते रहना, अपनी कल्पनाएं मत जोड़ना, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार। कलुषता के प्रसंग में कलुषता न हो तो सात से पुण्य समझो, ये तत्व ज्ञान की सार्थकता, ज्ञानाभ्यास की सार्थकता ही है। मोह के प्रसंग में मोह न, कल कहा था कुछ उसी दृष्टांत में आप बताओ, मोह के प्रसंग में मोह न हो, कद वाले ही दृष्टांत में उन मुनराज के सामने डाल दिया उस बच्चे को, पालो इसको, हम क्या करें, तुम्हें अगर दीक्षा लेनी थी, विवाह काय को किया, इस पुत्र को जन्म दिया काय को, अगर संस्कार देने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, भावना नहीं है, तो जन्म देना अपराध है।
जन्म देने के लिए आप और संस्कार देने के लिए कौन आए? जब बच्चा बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाए उसको स्कूल ले जाते हैं, तो जब संस्कार लायक हो जाता है तब पाठशाला में लाना है। ये आपका कर्तव्य है, तभी ये आशा रखना, तो भी ये आशा मत रखना ये अलग बात है, तभी ये आशा रखना ये बच्चा हमारी समाधि में सहायक हो सकेगा। अगर तत्व के संस्कार नहीं दिए तो समाधि में सहायक होगा कैसे? कषायों की तीव्रता रहेगी तो बाहर में ही बाहर में भटकेगा उसका। विचारना, यहां आने मात्र से पुण्य थोड़े ही हो जाएगा, सुनने मात्र से पुण्य थोड़े ही हो जाएगा, उपवास करने मात्र से पुण्य थोड़े ही हो जाएगा, तपस्या करने मात्र से पुण्य थोड़े ही हो जाएगा। भावना प्रधान चेष्टा, आचार्य कुमुदचंद स्वामी कल्याण मंदिर स्त्रोत्र में नास्ती के कथन कर रहे, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन से न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती। बिना आत्मा का शरीर का है, बिना आत्मा का शरीर, आत्मा निकल जाए शरीर पड़ा रह जाए क्या कहोगे? मिट्टी मिट्टी, ये मिट्टी ठिकाने लगा काय को बर्बाद कर रही, मोह में आएगा तो आता रहेगा, जाएगा तो जाता रहेगा, काय को मोह में पड़े, अब क्या करेंगे, क्या देखने, क्या करने, इस मिट्टी को ठिकाने लगा जितनी जल्दी हो। कहते मिट्टी कहते कि नहीं कहते? तो जब जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसको मिट्टी कहोगे, तो अब आप ऐसे ही समझ लो, अगर जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है तो जीवन का मूल मिट्टी बराबर भी नहीं। आचार्य कुंदकुम स्वामी ने नियम सारजी में एक बढ़िया गाथा लिखी, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है, आत्मा में ज्ञान तो सबके, आत्मा में ज्ञान तो सबके है ही, ज्ञान गुण है कि नहीं, ज्ञान परिणति प्रकट नहीं हुई, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है, जिस तप में आत्मा नहीं है, जिस संयम में आत्मा नहीं है, उसकी कोई मूल्य कोई कीमत। हम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा है, और प्रत्याख्यान संबर योग में भी आत्मा। एक गाथा ये है, एक गाथा संयम नियम तप में आत्मा समीप जिसके रहे, स्थाई सामायिक है उसे, यो केवली शासन है। ये नियम सार की गाथा है। विचारना, अगर आत्मा नहीं है हमारे स्वाध्याय में तो क्या है? हमारा स्वाध्याय हुआ और आत्मा नहीं हुई, छू नहीं गया हमारे आत्मा को, हमारे परिणामों में विशुद्धि नहीं आई। विशुद्धि का लाभ, समता का लाभ ही सर्वोत्कृष्ट लाभ है, ध्यान रखना। भीड़ हो जाना आयोजन की सफलता नहीं है, पैसा की आमदनी हो जाना आयोजन की सफलता नहीं है, अंतर के परिणाम में विशुद्धि होना, अंतर के परिणामों में विशुद्धि होना ये लाभ है, ये आयोजन की सफलता है। आप अकेले बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं और आपका चित्त भीतर प्रसन्न हो रहा है और उपयोग अंदर में ढल रहा है, तो वो अकेले का स्वाध्याय सार्थक है। और इतनी भीड़ हो गई और आप ऐसे बेर बेर इधर दिख रहे, तो
स्वाध्याय की साक्षात्कार है, कौन आया कौन नहीं गया। अरे कौन आया कौन नहीं गया उसको देख रहे हो कि हम आए कि हम नहीं गए, ये सोचो। ब्रह्म गुलाल हसी हसी में मुनपद की दीक्षा धारी। उनके पिताजी थे, उनका नाम था हल। छत्रपति ने उनके चरित्र में लिखा, एक दिन वे गांव के बाहर गए थे, वहां से लौट रहे थे। गांव वालों ने सूचना दी, भैया गजब हो गो, तुम्हारे घर में आग लग गई, कछु नहीं बचो, कोई नहीं बचा। कुछ नहीं बचा माने अचेता, और कोई नहीं बचा माने चेता, सब स्वाहा हो गए। ऐसी आग अचानक लग गई यानि क्या होगा, कोई नहीं बचा और कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में भी संतुलन नहीं खोना, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास का फल है। हल जी बोले, बिना हले हुए, बिना कंपायमान हुए, बिना घबराए हुए, हल जी बोले, छत्रपति कवि ने लिखा बहुत सुंदर लाइन, जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीनो अफसोस। अगर हम हैं तो सब हैं, और हम नहीं हैं तो कौन हो। और राजा के साथ भी मित्रता थी, राजा ने उनका दूसरी गृहस्थी बसाई और दूसरी धीरे धीरे काम। उनका जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीनो अफसोस। स्वाध्याय में हम हैं तो सब, और हम नहीं हैं तो क्या मतलब। हम माने शरीर नहीं, मैं माने शरीर नहीं, शरीर यहां बैठा है और उपयोग कहीं है तो हम गैराज हैं। जो शरीर से भी यहां नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, जो शरीर से यहां है और मन से उपयोग से कहीं है उनकी बात कर रहे। पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में लाभ नहीं। टोटर मर्जी ने क्या निर्देश दिया आपको बोलो। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से कार्य करना, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सेवा हो, चाहे विनय हो, चाहे दान हो, चाहे शील हो, जिस प्रकार से अपना उपयोग निर्मल हो हुआ कार्य करना। सद सके सो प्रतिज्ञा करना, और जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में कोई लाभ नहीं है। मतलब क्या है, धोते मत जाना, रूढ़ी से करते मत जाना, उपयोग को निर्मल करने का भी उपाय रखना। प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना हसी खेल नहीं है, प्रतिज्ञा लेगन करके उसका निर्वाह भी करना। निर्वाह एक हमारे यहां शब्द है, निस्तारक, निस्तरणम, तर गए, पहुंच गए वहां तक। माने उसको पूरा करना। और जो हम पढ़ते हैं उसका अभाव भी तो समझना, पढ़ते चले आ रहे जी, हमने सोचा ही नहीं था इसका ये अर्थ होगा। नहीं भैया, जो पढ़ते हैं उसका अर्थ भी सीखना, और जितने परिणामों की निर्मलता विशुद्धता होगी वही आपकी स्वाध्याय की आयोजन की सार्थकता है। स्वाध्याय तो हम 8 वर्ष के करते हैं, 8 वर्ष से करते हैं, और घर में रचते पचते और कथाएं करते हैं, ये कहां से संभव, स्वाध्याय किया ही नहीं। दर्शन तो हम 5 वर्ष की उम्र से कर रहे, दर्शन किया ही नहीं अभी तुमने। इस भाषा में लिखा कुमुदचंद स्वामी ने, हमें ऐसा लगता है भगवान
आपकी पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, आपका दर्शन करना भी ठीक है, हमें ऐसा लगता है हमने आपका नाम भी नहीं सुना। आकर्ण तो नाम भी नहीं सुना, और बड़ी सुंदर शब्द में लिखा है, सुनते हुए भी नहीं सुना। जैसे कोई अपनी धुन में लगा हुआ सुनी अनसुनी करता रहता है। आकर्ण तो भी महतो भी निरीक्ष तो भी सुनते हुए भी नहीं सुना, प्रेम से नहीं सुना, रुचि से नहीं सुना, उत्साह से नहीं सुना, उल्लास से नहीं सुना, अपने हित की दृष्टि से नहीं सुना। अगर आपका नाम सुनते, आपकी भक्ति करते, दर्शन करते, पूजा करते, तो ये दुख हमारे कैसे आ जाते, हम दुखी नहीं होते। ध्यान रखना, धर्मात्मा ज्ञानी दरिद्र हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता, बीमार हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता। बाहर की रास्ता भटक सकता है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग में नहीं भटक सकता। इदम एवेदसम चैव तत्त्वम नान्यन्न चान्यथा, यही है तत्व, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। उसने भली प्रकार से समझ करके, निर्णय करके और स्वानुभव पूर्वक प्रमाण किया है, यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। कितना घटाओगे, कितना घटाओगे, किसमें ये चार बिंदु घटाओगे, यही ऐसा ही न अन्य न अन्य प्रकार। अरे बोलो किन किन में घटाओगे, देव से लेकर के और आत्मा तक घटाना है। देव वितरागी ही है, सर्वज्ञ ही है, अन्य प्रकार से नहीं, अन्य नहीं हो सकता। और उनका फल वितरागता को लग, वितरागी बनो तो समझ लो कि भवभव का पेड़ा बना। वैद्य के पास आने का, वैद्य का इलाज करने का फल रोग का मिटना है। मौसमी का रस पीने मिलने नहीं है, रोज रोटी नहीं मिलती थी, आज बीमार हो गए तो मौसमी को रस मना मना क्यों आ रहे, लेकिन ये नहीं है, ये फल नहीं है। वैद्य के पास आना और वैद्य की बात मानने का फल रोग का मिटना है। ऐसे वितरागी के समीप आना और वितरागी की श्रद्धा का होना, उसका फल राग का मिटना। कई बार आपने सुना होगा, अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं, मरीज आया दवाई दी, डॉक्टर साहब आप कब आ रहे, देखो शायद आने की जरूरत ही नहीं पाए। सुनिए सुनिए, आप भी कह रहे हो कई बार, देखो शायद आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाओगे। अब कब आवे ये मत सोचो, ऐसे सुनने की जरूरत ना पड़े ऐसा सुन लो एक बार, सुना तो समा गया, सुनाने के लिए भी नहीं रुका और जाकर के अपना कल्याण कर गए। सोचो सिंह ने एक बार सुना था, हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ की जीव ने एक बार सुना था और जाकर के जीवन भर अपना पालन कर और समाधि करके स्वर्ग गए। ये कोई एक ही क्लास में बार बार पढ़ना, दो चार साल पढ़ना, ये कोई अच्छी बात है थोड़ी है। 15 साल पढ़ते जाओ, लेकिन हर साल बढ़ते जाओ। 15 साल पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे, 20 साल पढ़ो, लेकिन हर साल बढ़ते जाओ, उसी क्लास में नहीं।
जीवन भर स्वाध्याय कर दिया, लेकिन एक कदम बढ़ते जा, एक कदम बढ़ते, हमारी विशुद्धि निरंतर बढ़ना चाहिए। और अंतिम दशा का वर्णन पंडित दयानंदराय जी ने कैसे कहा, हाड़ मास जब सूख जाए तब धर्मलीन तन त्याग, अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में तेज उठे जो जाएगा। शरीर तो सूख गया लेकिन अंदर में हरा भरा हो रहा है, धर्मलीन तन त्याग। अरे ऐसे ही संकलित परिणाम से देह छूट जाना, चाहे कहीं छूट जाना, मोह ममता में छूट जाना, ये कोई सफलता थोड़ी है जीवन की कि आज वे चले गए, आज वे चले गए। चले गए तो जाना तो अपन को भी है, कोई बात नहीं, लेकिन किन परिणामों से गए ये महत्व की बात है। जाते तो सब ही, किन परिणामों से गए, विचारना, पुण्य भी कैसे हो रहा है, परिणाम से हो रहा है, ऐसा जान करके कभी उत्तेजित मत होना। देखो हमारे ऐसे नियम तो ले लेते हैं, अब हम आलू कभी नहीं खाएंगे, अच्छी बात है, अब अक्के भक्षण का हम पोषण नहीं करेंगे, ना प्रेरणा करेंगे, ना अनुमोदना करेंगे। भूले भटके भी खा लेते हो तो छोड़ देना, हम ये कहेंगे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ये है, नियम ऐसे बनाओ हम संक्लेष कभी नहीं करें, हम उत्तेजित कभी नहीं होंगे, हम अनर्गल नहीं सोचेंगे कभी किसी के बारे में, चाहे कुछ सोचने लगे और अभी तक नहीं आया और फलाना और फलाना, अरे वो किसी काम में लग गया बेचारा तो फालतू में संकलेश कर रहे। चरणान योग के भी भाव पक्ष की प्रधानता रखना, जिस क्रिया के साथ विशुद्ध भाव भीतर में है उसे व्यवहार हम कह सकते हैं, लेकिन अगर विशुद्ध भाव भी नहीं है तो व्यवहार भी कैसे कहेंगे, कपट कहेंगे, कपट प्रीति अंगार से। संकलेश नहीं करेंगे, परमाणु मात्र को हम अपना मान करके अपने जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भेद ज्ञान रखेंगे, सदुपयोग करेंगे, ये बात अलग। कुछ नियम ऐसे भी बनाओ अपने जीवन में जिससे अपन शांति की ओर बढ़ सके। केवल क्रिया के संस्कार ही नहीं, भावों के संस्कार भी डालो और गहरे संस्कार डालो, हम अपने को हीन नहीं देखेंगे, हम अपने को हीन नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, है तो है, क्या फर्क पड़ता है। ए तुम्हारे पास कोई टीवी नहीं, तुम्हारे घर में नहीं है तो क्या बात है, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, कौन बुरी बात है। अब वो अलग बात है, मैंने उसे बीमारी मानेगा, ये बीमारी नहीं है क्या। आप जैन समाज में कोई चोर नहीं है, गौरव की बात है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, ये गौरव की बात है। हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं है, ये गौरव की बात है। हमारे जीवन में स्थूल पाप नहीं है, ये गौरव की बात है। आगे बढ़ो, द्रव्य निद्रा दूर हुई, भाव निद्रा को टालने का उपाय करो। ठीक है, पड़ोसी के साथ योग्य व्यवहार रखते हो, सहानुभूति रखते हो, लेकिन पड़ोसी को अपना तो नहीं मानते। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पार्श्ववर्ती समझो इस शरीर को और इन संयोगों को, भिन्न है हमारे नहीं है। इस प्रकार की तत्व भावना, भेद ज्ञान की भावना भाते हुए
सात से पुण्य होता है। विशेष पुण्य जैसे नास्ती में पाप के प्रसंग में लिखा, नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषा। छल करने पर ही हुई लक्ष्मी ज्यादा तो नहीं आएगी, कर्म बंद विशेष होगा। ऐसे ही यहां आप अपने परिणामों में निर्मलता रखेंगे तो पुण्य बंद विशेषता। सामग्री तो जितनी आएगी आएगी, आज जितना आपका वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, बुद्धि है, गारंटी की बात है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर तलुष्टा नहीं होगी तो, लेकिन उसमें आप डूबेंगे नहीं, ऊपर चलते आएंगे, जलते भिन्न कमल है, उड़ते चले जाएंगे। आप बताओ पुराण पढ़ करके ज्ञानियों की संपत्ति, ज्ञानियों के भोग, ज्ञानियों ने छोड़े हैं, भोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा है। लगे जगे ज्ञानियों ने छोड़े हैं, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, उन्होंने ही छोड़ी, संपत्ति ने उन्हें नहीं छोड़ा। आपको संपत्ति नहीं छोड़ेगी, आप संपत्ति को छोड़ोगे अगर तत्व ज्ञान होगा। बराबर इस चेतावनी को याद रखना, अब कर्म योग सुघाट आयो, पार हो दिन जाट। भाग्य से ऐसे सुंदर स्थान पर इस जिन वचनों को श्रवण करने के लिए अपन हो गए और सुहा रहे हैं, अब तत्व का निर्णय करके मुक्त मार्ग में प्रवेश करना। जिस स्टेशन पर सुंदर स्टेशन बना है और स्टेशन की शोभा ही नहीं निहारती रहती, टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ जाते, क्या करते आप? अरे भाई स्टेशन तो बढ़िया बनता है, तब तक गाड़ी चूक जाएगी, स्टेशन तो बढ़िया हो गया। अरे यहां ठहरने की भी सुविधा हो गई, ठहर मत जाना, ठहरना पड़े तो ठहरने की सुविधा है, ठहरने की सुविधा ठहरने के लिए नहीं। ये पुण्य की सामग्री आपके भोगने के लिए नहीं है, अटकने के लिए नहीं है, आसक्ति के लिए नहीं है, मोह करने के लिए नहीं है। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के लिए है। वो तो आपका यहां कहीं लिखा होगा या नहीं लिखा, भयभीत कभी मत रहना, सावधान हर समय रहना। कभी भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। अपनी पूजा ध्यानतराय जी की क्या लिखा है, ताको चौगत के दुख नाही, सो न परे भव सागर माई, जन्म जरा मत रोग मिटावे, जो सम्यक रत्नत्र कहीं नरक चले गए तो, अरे जा ही नहीं सकता। किसी ने नहीं पूछा तो नहीं पूछा, नहीं हमें पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ? बड़ी सुंदर गाथा है भैया, चित्त की कलुषता ना होना कलुषता के प्रसंग में, किसी भी प्रसंग में उसका अर्थ कल कहा था, भूल गए क्या? बोलो। केवल कलुषता ना होने का मतलब पाप के उदय में क्रोध नहीं होना नहीं है, इतना बहुत अधूरा अर्थ। होने के उदय में अभिमान ना होना, अनुकूलता में अभिमान नहीं होना, ये भी कलुषता है।
पुण्य के खूब व्यापार चल रहा है, खूब सुंदर रूप है, बाल बच्ची आज्ञाकारी है। अब टेढ़े चल रहे, देख ही नहीं रहे किसी को, किसी की सुना ही नहीं रहे। क्या होता है भगवान, क्या होता है मंदिर? हाँ भाई आप लोग आ गए, बता क्या करें? वो मंदिर बंद है कुछ। हाँ तो बताओ क्या देना है? 5 लाख रुपये। वो सोच लिया हमने बहुत कर लो, 5 लाख तो थोड़े हैं, तो 11 लाख ले लो। चलो क्या बचा, करो काम, आप भी पधारना एक दिन। हम देखो हमें फुर्सत नहीं है, रुपये ले आओ और काम करो। अरे रे प्रभु, ये कलुषता है, कलुषता है, कलुषता है। अनुकूलताओं में मान होना ये भी कलुषता है। देखा मुझे मिल जाए लोभ होना भी कलुषता है। कैसे मिले सीता, रावण सोच रहा कलुषता आ गई। रावण जा रहा था काय के लिए, खरदूषण की सहायता करने के लिए, और ऐसे निगाह पहुंच गई, ये कौन बेटा है इतना सुंदर, ये तो मुझे मिल जाए। अच्छा कैसे मिलेगी? तो वो अवलोकनी विद्या से उसने सब कुछ जाना। लक्ष्मण वहां गए, राम अकेले यहां बैठे हैं, और सीता को, जब तक सीता राम के पास है तब तक उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। हम ये दृष्टांत दे रहे हैं आपको, जब तक आपकी परिणति इन भगवंतों के समीप है, आपके हृदय में भगवान बसे हैं, कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई दुखी नहीं कर सकता। अब दशानन ने सोचा, राम को अलग कैसे किया जाए, राम को यहां से हटाया कैसे जाए। अच्छा सिंहनाद करके गया, कह करके गया हमारी ऊपर संकट आएगा तो लक्ष्मण ने सिंहनाद करेंगे, नकली सिंहनाद कर लिया। राम वहां गए और सीता को लेकर के चल, सीता को देखा और मुझे मिल जाए, संकलित परिणाम हो गया। दूसरा संकलित परिणाम हुआ, ये सीता मायाचारी आ गई कि नहीं आ गई, कैसे मिले ऐसे, मायाचारी हो गई कि नहीं। अब सीता चली गई, सीता मुझे अनुकूल हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए, संकलित परिणाम। बोलो भैया कोई की कमी तो अभी नहीं आई थी? उस रनवास में से एकाध रानी का देहांत तो नहीं हो गया था? रनवास वैसा का वैसा, राज्य वैसा का वैसा, भोग वैसे के वैसे, संयोग वैसे के वैसे, राज्यसभा वैसी की वैसी, और क्या हो गया अशांत। ये सीता मेरे अनुकूल कैसे हो? बोलो कलुषता है कि नहीं? आप कह रहे क्रोध, अरे क्रोध तो भाई हो जाता है वैसे, लेकिन मूल में मान है, मूल में लोभ है, इसलिए इन कषायों की तीव्रता को कलुषता कहा। कषाएं तीव्र हो जाए, कैसे तीव्र होना मालूम है? एक दृष्टांत सुना है एक विद्वान थे और एक त्यागी जी थे। त्यागी जी का नाम था शीतल प्रसाद। किसी का हो तो समझ मत लेना व्यक्ति का नाम दे रहे। विद्वान को जाने क्या आ गया कि लाओ इनकी परीक्षा तो करें, शीतल प्रसाद कैसे हैं, बड़े शांत हैं। तो बैठे थे, गए जाकर के बैठ गए। महाराज आपका नाम? शुभ नाम। भैया शीतल प्रसाद कहते हमको, थोड़ी देर बाद भूल गए हम, क्या नाम बताया आपने? शीतल प्रसाद। आवाज में तेजी आ गई, फिर उठे और चले, फिर लौट करके आए, महाराज हम तो भूल गए। अरे भैया कहता दिया शीतल। अरे शीतल प्रसाद बढ़ने लगी,
कसाय बढ़ती चली जाए। सोचना विचारना कलुषता है। जैन शास्त्रों में कदम कदम पर पद पद में कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है। अगर कसाय बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है तो इलाज विपरीत है। अगर बीमारी बढ़ती आ रही है तो इलाज विपरीत है। जिनवाणी विपरीत है ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं जिनवाणी पढ़ना नहीं आ रहा, तुम विपरीत चिंतन कर रहे हो, उसमें से स्वच्छता निकाल रहे हो, प्रमाद निकाल रहे हो, तुम उसमें से अभिमान निकाल रहे हो। एक भाई बोला, पंडित जी बोलो भैया क्या कह रहे, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? हमें बताओ क्या कह रहे तुम पहले। और वो साहब सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है सो क्या करें, बोलो बताओ क्या हुआ। और वो अपना वो आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे, और वे तो तद्भव मोक्षगामी भगवान। अरे भैया ये राग के कार्य, ये उदय के कार्य हैं, इनको ज्ञान का कार्य मत मान लेना, ये कोई अनुकरणीय नहीं है। उनके छह खंड का वैभव होने पर भी वे अपने अखंड के वैभव में संतुष्ट हैं, छह खंड के वैभव में परमाणु मात्र पर भी नजर नहीं है। वे छियानवे हजार रानियों में भी उदास हैं, सदन निवासी तदत उदासी। कोई भजन में है, किन मूरत रगधारी की मोह रीत लगते हैं अचापर, सुनाया सदन निवासी तदत उदासी। इतकी करुषता है, कसाएं बढ़ना नहीं चाहिए, कसाएं घटने की ओर, मोह बढ़ना नहीं चाहिए, मोह घटने की ओर ला। और तत्व विचार करेंगे तो मोह घटेगा, कसाएं घटेंगी निश्चित। और मोह घटेगा कसाएं घटेंगी इसका मतलब क्या हुआ, दुख घटेगा। विशुद्धता बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, सुख शांति आपकी वृद्धिंगत होगी बढ़ेगी। स्थान पर आ गए, धर्मायतनों में आ गए, इतना पर्याप्त नहीं है, बहुत भावना सहित आना, एक लक्ष्य सहित आना, संकल्प सहित आना। पंडित जिन्हों टोटरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में लिखा, और श्रोता का एक विशेषण है नवीन श्रोता, नया जो आया। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, इन बातों का निर्णय जिनवाणी सुनने से होता है, इसलिए अत्यंत अंतरंग प्रीति से जिनवाणी सुनता है। किन बातों का निर्णय करके, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है, और ये परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल है, हम क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जा रहे हैं सुख और जा रहे हैं दुख की ओर, पाप की ओर। सोचो भैया, पुण्य का भी अभी ठिकाना परिणामों में जब देखोगे तब समझ में आएगा पुण्य का भी ठिकाना कहाँ है। विचारना, पाप की चर्चा अभी रह गई, पढ़ना इन गाथाओं को आगे। आप अकेला हिंसा झूठ चोरी आदि को पाप मान लेते, बाहर में परद्रव्य हो, किसी जीव की हिंसा न हो तो आप हिंसा मानोगे, अपनी भी हिंसा तो हिंसा मानो। प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा, बहु प्रमाद युक्त चर्या ये पाप है। चार प्रकार की संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह ये पाप है, विषयों की आसक्ता पाप है,
इंद्रियों के बसी होना, बसवर्ती होना ये पाप है। आर क्रोध ध्यान करना, घबराना, आनंद मानना, मगन हो जाना ये पाप है। और बोलो दो और रह गए। पर का अपवाद करना ये पाप है, और पर का परिवाद परिहास करना ये पाप है। हंसी उड़ाना, निंदा करना ये पाप है। हम ये कह रहे हैं, अगर मंदिर में आकर के भी पराई निंदा करोगे तो पाप लगेगा। अब्बास माने झूठा दोष लगाओगे तो पाप लगेगा। यहां तो अपनी ओर देखना सीखो। आपको पहले आए थे तो कहा था ये ऐसा है, उस समय तीन उंगली तुम्हारी इधर जा रही है, अपनी ओर देखो। त्रिगुणे बाप हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है और हमारा साध्य कैसा है। भैया पाप से डरो, पाप को छोड़ोगे तो दुख स्वयं छूट जाएगा, और पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुख छोड़ने छोड़ने पर भी नहीं छूटेगा। विचारना गजानंदी खाया तो अपन भूखे रहेंगे। ऐसे ऐसे सुंदर